Swayam Prabhat, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार ये जो विषय है जिस पर डिस्कशन करने हम लोग जा रहे हैं इस विषय का नाम है प्रशासनिक विधि तो प्रशासनिक विधि पे डिस्कशन हो रहा है हम लोगों का इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोगों ने दस मॉड्यूल में डिवाइड किया है और दस मॉड्यूल में जो इम्पोर्टेंट इसके एरिया है सबको कवरअप करने का प्रयास किया गया है और इस दस मॉड्यूल में से नौ मॉड्यूल पर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है तो आज ये जो है दसवा मॉड्यूल है जिसमें हम लोग इस विषय को कंक्लूड कर देंगे और लास्ट टॉपिक लेकर के कंक्लूड कर देंगे इसको तो इस तरीके से इस विषय के बारे में मैंने आपको बताया तो इससे पहले कि मैं दसवें टॉपिक पे आऊँ कि दसवां टॉपिक क्या है उसमें हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आपसे बता दूँ मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा को पास करते हुए कुछ समय के लिए न्यायिक अधिकारी भी था और मेरा दस बारह साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है लगभग लगभग तो ये मेरा एक तो आपको संक्षिप्त परिचय है अब आप इस विषय पे आए प्रशासनिक विधि तो अगर आप देखेंगे तो प्रशासनिक विधि के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताऊं, फिर दसवें टॉपिक पे आते हैं प्रशासनिक विधि एक ऐसी विधि है जो प्रशासन के क्रियाकलापों के बारे में हम लोगों को बताती है माने देश का प्रशासन कैसे काम करेगा देश के प्रशासन के लिए जो लगे हुए अधिकारी हैं उनके क्या शक्तियाँ हैं उनके क्या कर्तव्य हैं उनके क्या दायित्व हैं और इन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको क्या विवेक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और अगर विवेक की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और किसी के अधिकार का हनन हो जाता है तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है तो ये सारा प्रशासनिक विधि इन सारी चीज़ों की बात करता है अब आप देखेंगे तो प्रीवियसली हम लोगों ने नौ लेक्चर पे बात कर चुके हैं हम लोग जिसमें पहला लेक्चर तो एकदम से इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोग साधारण तौर पे प्रशासनिक विधि के बारे में देखा और प्रशासन के कार्यकलापों के बारे में एक व्याख्या हम लोगों ने देखा जिसमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट एरिया को हम लोगों ने कवर किया जिसमें विधि का शासन है विधि का शासन होगा व्यक्ति का शासन नहीं होगा रूल ऑफ लॉ जो प्रोपाउंड किया था एवी डायसी ने ब्रिटेन में इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है जो कहता है कि शक्ति का पृथककरण होगा शक्तियाँ एक हाथ में निहित नहीं होंगी नहीं तो एनार्की हो जाएगा लॉलेसनेस हो जाएगा ऑटोक्रेसी आ जाएगी निरंकुशवाद आ जाएगा

प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ बड़े मूलभूत प्रिंसिपल हैं जो सारे कानून में अप किए जाने चाहिए जैसे रूल अगेंस्ट बायस पक्षपात के विरुद्ध नियम जैसे सुनवाई का अवसर अल्ट्रम पार्टीम सुनवाई का अवसर जैसे रीजन डिसीजन तो ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं प्राकृतिक न्याय के कि कोई भी कानून हो उसमें इसका पालन होना ही नहीं होना ही चाहिए और अगर प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ और प्राधिकारी ने कोई डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को शून्य माना जाता है कानून की निगाह में तो ये भी हम लोगों ने बड़े डिटेल में देखा हुआ था इस क्लास में आगे हम लोगों ने न्यायिक अधिकरणों की बात किया था कि एक तो न्यायालय है और दूसरा प्रशासनिक अधिकरण है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं इन दोनों के बीच में क्या समानता है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ और भारत में इसका विकास कैसे हुआ संवैधानिक विधि में इसका क्या स्टेटस है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों के द्वारा इसके पावर को व्याख्या किया गया है तो निर्णय अधिकरणों के बारे में भी हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने न्यायिक पुनर्विलेखन को देखा था कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दिया गया है अथॉरिटीज को ताकि वो जनता के अधिकारों का संरक्षण करें तो इस डिस्क्रिप्शन का वो मिसयूज न करें अगर विवेक के अधिकार का मिसयूज करेंगे और किसी के राइट का हनन हो जाएगा तो इसके लिए हमारे पास न्यायिक नियंत्रण है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति करके न्यायपालिका क्या करती है इनके विवेक की शक्तियों को जो जिसका दुरुपयोग ये करते हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है तो ये भी एक चैप्टर हम लोगों ने देखा था जिसमें जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये भी एक चैप्टर हम लोगों ने देखा था उसमें तमाम उसके प्रॉस एंड कॉन्स को हम लोगों हमने डिस्कस किया था इस क्लास में इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इशू थे जैसे मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट right का वायलेशन हो गया तो आपके लिए क्या उपचार है संविधान में क्या उपचार है अन्य विधियों में क्या उपचार है ये भी हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि भाई संविधान में अगर आप बात करेंगे तो रिट का आपके पास अधिकार है जिसमें आप थर्टी में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं और पांच तरीके की रिट की बृहद व्याख्या हम लोगों ने क्लास में किया था जिसमें रिट ऑफ हैवियस कार्पस रेट ऑफ मैंडमस रेट ऑफ्यो ऑरटो रेट ऑफ सरस्योरारी एंड रेट ऑफ प्रोहिबिशन तो ये पांचों रिट के बारे में हम लोगों ने देखा था इसके क्या आवश्यक शर्तें हैं ये किसके खिलाफ इशू हो सकती हैं ये कब नहीं इशू हो सकती हैं ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था तो रिट के मामले में और कुछ संविधिक उपचार भी हैं जिसमें ब्यादेश की बात है जिसमें कंपनसेशन की बात है तो इसको भी हम लोगों ने देखा था जिसमें डिक्लेटरी डिक्री की

क्या संवैधानिक उपचार उपलब्ध हैं और क्या विधिक उपचार उपलब्ध हैं तो ये सारे विषयों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है अब जो आज का विषय है ये क्या है आप स्लाइड पे अगर देखें तो दसवां जो टॉपिक है इसका क्या है पॉइंट दसवां टॉपिक है ये है लोक निगम तो हम लोग लोक निगम की बात करने जा रहे हैं पब्लिक कारपोरेशन की बात करने जा रहे हैं लोक निगम क्या है ध्यान दीजिए अब लोक निगम की अगर हम बात करें तो लोक निगम को हम लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है और इसकी क्या आवश्यकता है प्रशासनिक विधि में मैं आपको बताऊं चूंकि लोक निगम होना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य का बहुत ज्यादा दायित्व तो है जनता के अधिकारों का संरक्षण करना जनता को न्याय प्रदान करना जनता के हितों का ध्यान रखना जैसे आप देखेंगे तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा राज्य सबको न्याय प्रदान करेगा कैसा न्याय justice social economic and political we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens justice सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये जो फ्रेज है ना प्रियम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि राज्य जो है सबको न्याय प्रदान करता है और कैसा प्रदान करेगा न्याय ऑल सॉर्ट ऑफ जस्टिस और ऑल सॉर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक और जस्टिस पॉलिटिकल इन तीनों तरीकों की न्याय की व्यवस्था है ये न्याय कैसे राज्य प्रदान करेगा राज्य को इसमें अपने अंगों को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा राज्य में को अपने अंगों को अपने हाथों को फैलाना पड़ेगा जब राज्य के कई निकाय होंगे कई हाथ होंगे इसके कई फैकल्टी होंगे तो राज्य क्या करेगा उन हाथों और उन निकायों के माध्यम से लोगों को सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाने का प्रयास करेगा तो ये लोक निगम एक ऐसा हाथ है राज्य के पास इसके हैंड्स हैं इसके निकाय हैं इसके अंग है जो क्या करेगा इन लोक निगमों के माध्यम से लोगों को न्याय दिलवाने का प्रयास करेगा अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें खास करके लोक निगम कैसे हैं आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हैं तो आर्थिक न्याय सबको पैसे की भी जरूरत है सभी लोग रहेंगे खाना पीना रोजगार वगैरह वगैरह सारा सबको चाहिए सुख सुविधाएं सड़क बिजली पानी आखिर इस सब के लिए एक्सपेंडिचर की जरूरत है पैसे की जरूरत है और राज्य चूँकि लोक कल्याणकारी राज्य है ये जनता के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है इसलिए इसको निकाय स्थापित करना पड़ेगा ताकि जनता के अधिकारों का संरक्षण कर सके तो लोक निगम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोक निगम की सहायता से राज्य लोगों को आर्थिक न्याय दिलाएगा राजनीतिक न्याय भी दिलाएगा बहुत ऐसे निगम हैं जो राजनीतिक मामले में भी काम करते हैं और सामाजिक मामले में भी काम करते हैं तो इस तरीके से निगमों का बड़ा दायित्व तो है टू डू जस्टिस इन द फेवर ऑफ पीपल और राज्य जो जस्टिस करेगा उसमें निगम उसको हेल्प करेगा तो इसलिए निगम बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भारत के संविधान में तो उसमें दो तीन आर्टिकल मैं आपको रेफर करूं आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी ये दोनों आर्टिकल हैं इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है कि राज्य जो है नेचुरल रिसोर्सेस का कंसंट्रेशन एक हाथ में नहीं होने देगा इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाएगा ताकि वो नहीं, होगा, नहीं, होगा, आर्थिक नहीं होगा आप कुछ दिन पहले देखे होंगे ये जो है, ये क्यों किया गया इसलिए कि एक के हाथ में सारा पैसा न रहे यह पैसा सबका है नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक रिसोर्स का में नहीं होना चाहिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए कि ये जनता जनार्दन के अधिकारों की रक्षा कर सके और उनके आधिक, आर्थिक अधिकारों का संरक्षण कर सके इसलिए को आपने देखा होगा सरकार ने ऐसा करके और जिसके पास ज्यादा पैसा था उसको पब्लिक में ले आया और पब्लिक में जब ले आया तो जनता जनार्दन का इसमें फायदा होगा तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन है जो आर्टिकल थर्टी बी और सी में लिखा हुआ है अब लोक निगम क्या करेंगे लोक निगम ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन होंगे जो जगह जगह बैठेंगे और ये पैसों का केंद्रीकरण नहीं होने देंगे ये प्रोडक्शन करेंगे ये फ़ायदा उत्पन्न करेंगे और उस फायदा का वो फायदा जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? होगा ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके तो ये लोक निगमों की इसलिए ज़रूरत है आप देखेंगे उन्नीस में स्वतंत्रता के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उन्नीस में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसमें जितने भी उद्योग हैं जितने इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी की संरचना की गई उन्नीस में ताकि इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथक हो सके इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी को फेयरनेस और जस्टनेस के तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए इसमें कुप्रबंधन को रोका जाए मिसमैनेजमेंट को रोका जाए इसमें किसी का सप्रेशन न हो इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्थापना की गई ताकि लोक निगमों के माध्यम से इंडस्ट्रीज के माध्यम से जनता जनार्दन के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण हो सके तो ये मैं बैकग्राउंड आपको बताने का प्रयास किया कि जो लोक निगम हम पढ़ रहे हैं इस लोक निगम का हमारे संविधान में और हमारे राज्य के क्रियाकलाप क्रिया में क्या योगदान है तो इसका बहुत ज्यादा योगदान है क्योंकि एक तरीके से ये वाणिज्यिक एक्टिविटी है व्यापारिक एक्टिविटी है लोक निगमों के माध्यम से सरकार को व्यापार नहीं करना है लेकिन कभी कभी सरकार को व्यापार करना पड़ता है ताकि आर्थिक अधिकार लोगों का संरक्षण हो सके तो सरकार व्यापार करेगी लोक निगमों के माध्यम से वाणिज्य व्यापार करेगी और ताकि पैसा का उगा हो और वो पैसा जनता जनार्दन के अधिकारों के संरक्षण में प्रयुक्त हो तो ये इसलिए लोक निगमों का बहुत बात करेंगे अगली स्लाइड है लोक निगम का अर्थ क्या है आप देखेंगे तो लोक निगम की विशेषताएं क्या है लोक निगम का विकास कैसे हुआ और लोक निगम की वर्गीकरण क्या है इसमें कौन कौन से वर्गीकरण किए जा सकते हैं ठीक है ना तो इसमें देखिए लोक निगम जो है ये लोक उपक्रम का एक हिस्सा है लोक उपक्रम तो ये पब्लिक एक्टिविटी का एक हिस्सा है लोक उपक्रम का लोक उपक्रम में एक लोक निगम आता है दूसरी इसमें सरकारी कंपनी आती है सरकारी कंपनी आती है और तीसरी इसमें आप देखेंगे तो इसमें लोक निगम आते हैं लोक निगम लोक निगम तो इस तरीके से करके लोक उपक्रम के कई हिस्से हैं जिसमें यह भी है यह भी यह भी है सरकारी कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी अधिनियम में सरकारी कंपनी की व्यवस्था है और यह डिफाइंड भी किया गया है सरकारी कंपनी वही होगी जिस कंपनी का शेयर कम से कम इक्यावन परसेंट पचास परसेंट से ज्यादा शेयर किसके पास होगा सरकार के पास होगा तो जिस किसी कंपनी का पचास परसेंट से ज्यादा शेयर सरकार के पास होगा उसको हम सरकारी कंपनी कहेंगे और सरकारी कंपनी भी एक तरीके से लोक निगम के रूप में पब्लिक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगी क्योंकि ये लीगल पर्सन होगी इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा इसका कॉमन सील होगा इसके खिलाफ आप मुकदमा ला सकते हैं ये मुकदमा ला सकती है तो इस तरीके से यह लीगल पर्सनैलिटी हो जाती है तो ये भी एक सरकारी कंपनी है मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूं हम लोग लोक निगमों पर अपने आप को कंफाइंड करेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लोक निगम का है तो हम सारे क्रमों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोक निगम की बात कर रहे हैं तो लोक निगम पे आते हैं लोक निगम की अर्थ और विशेषताएं देखिए जो दो हेडिंग है ना अर्थ और विशेषताएं तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ पे चलते हैं इसका अर्थ क्या है ध्यान दीजिए तो लोक निगम जो है ये लीगल पर्सन है लोक निगम लीगल पर्सन है इसमें लीगल पर्सनैलिटी बेस करती है करती है लीगल पर्सनैलिटी लीगल पर्सन है अब ये लीगल पर्सन है इसका क्या मतलब इसका बहुत बड़ा महत्व है कानून में जब कोई भी लोक निगम जैसे मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल जो बड़ा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है एक लोक निगम है पब्लिक इंस्टीट्यूशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लोक निगम है अब लोक निगम है तो ये क्या है लीगल पर्सन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है लीगल पर्सन है अब लीगल पर्सन है तो क्या विशेषता हो गई इसमें लीगल पर्सन है इसका मतलब इसके खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं अगर आपका वायलेट करता है तो ये अगर चाहता है तो आपके खिलाफ मुकदमा कर सकता है तो ये सू किया जा सकता है और यह आपको सू कर सकता है वाद लाया जा सकता है यह लीगल पर्सनालिटी का पहली विशेषता आगे आप देखेंगे तो इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये बात करें तो इसका परपेचुअल सक्सेशन है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब शाश्वत उत्तराधिकार है इसका शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता यह आदमी से नहीं बना है ऐसा नहीं है कि एक आदमी मान लीजिए कि जो आरबीआई का गवर्नर है अगर गवर्नर कल को किसी कारण बस नहीं रहता है तो आरबीआई खत्म हो जाएगा ना ना खत्म नहीं होगा क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है गवर्नर आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन जैसे का बना रहेगा इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन तो इसमें व्यक्ति आएंगे जाएंगे लेकिन इंस्टीट्यूशन के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका शाश्वत उत्तराधिकार है जैसे आप उत्तराधिकार की बात करते हैं अगर बाप मर गया और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है तो उत्तराधिकार खत्म हो

RPI, जैसे उसका सील लग गया तो सील ही उसका मुखौटा है तो परपेचुअल सक्सेशन होगा कामन सील होगा कॉमन सील इसके खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है मुकदमा आपके खिलाफ कर सकता है यह प्रॉपर्टी ओन और एक्वायर भी कर सकता है यह लीगल पर्सनैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है यह प्रॉपर्टी ओन भी कर सकता है प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है ठीक है ना क्योंकि ये लीगल पर्सन है तो इसको हम बोलते हैं इसका अर्थ लीगल पर्सनालिटी का तो जैसे अब अगर देखेंगे अगर लोक निगमों की हम बात करें तो अर्थ तो हमको समझ में आ गया कि लोक निगम इस तरीके से बनेगा और उसके ये विशेषताएं होंगी लेकिन इसमें आप देखें तो कुछ लोक निगम जो इंपॉर्टेंट तरीके के हैं मैं आपको इनोमरेट करूं यहां पर जैसे और ये सारे लोक निगम जो हैं अधिनियम से बनाए जाते हैं कानून के अधिनियम से बनाए जाते हैं ये कानून बनाया जाता है और कानून बना करके इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम उन्नीस के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई अगर आप एल की बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसकी स्थापना किससे हुई है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम उन्नीस के तहत तो मैं आपको बताया ना कि इंस्टीट्यूटरी रिकग्निशन होगा इनका ये इंस्टीट्यूट से बनाए जाएंगे दूसरा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एक्जाम्पल बताया अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात करें आप आरबीआई की बात करें तो इसके लिए भी एक अधिनियम है उस अधिनियम का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम उन्नीस उसी तरीके से अगर आप दामोदर घाटी परियोजना की बात करें दामोदर दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम तो यह भी एक अधिनियम है दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 सौ ये इससे बना हुआ है दामोदर घाटी दामोदर घाटी निगम दामोदर घाटी निगम तो इसके लिए भी हमारे पास लेजिस्लेशन है तो इसी तरीके से कई हैं जैसे परिवहन निगम की आप बात करेंगे तो परिवहन निगम अधिनियम 1950 है ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन तो इसी तरीके से तमाम अधिनियम बनाए गए हैं उस अधिनियमों के तहत लोक निगम की स्थापना की गई है और ये सारे लोक निगम किस चीज के लिए हैं ये जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं जिसमें राज्य अपना वाणिज्य की एक्टिविटी करते हुए जनता के अधिकारों का संरक्षण करेगा तो ये इसका अर्थ हो गया अब विशेषताओं पर आइए लोक निगम की विशेषताएं क्या है ध्यान दीजिए तो लोक निगम की कई विशेषताएं हैं लोक निगम की कई विशेषताएं हैं अब उस उन विशेषताओं की हम बात करते हैं जैसे पहला लोक निगम की स्थापना अधिनियम के तहत होती है ये इसकी विशेषता होनी चाहिए कानून के तहत इसकी स्थापना होगी इसकी पहली विशेषता है लोक निगम जो है वो लीगल पर्सन होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये भी इसकी विशेषता है यह लीगल पर्सनैलिटी होगी इसके अंदर यह स्वतंत्र होगा ध्यान दीजिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन तो इसमें कंट्रोल जो किया जाएगा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कंट्रोल किया जा सकता है अदरवाइज अपने फील्ड में यह स्वतंत्र होगा काम करने के लिए इसकी अगली विशेषता यह है कि लोक निगम जो है यह 12 में राज्य में सम्मिलित होगा आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह राज्य में सम्मिलित होगा ध्यान दीजिए राज्य में जैसे हम राज्य की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो राज्य की डेफिनेशन में हमारे पास है कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर यह स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ये स्टेट है ऑल लोकल अथॉरिटीज स्टेट है एंड ऑल अदर अथॉरिटीज विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर कंट्रोल ऑफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ये ये भी राज्य हैं तो ये जो अदर अथॉरिटी है ना अन्य प्राधिकारी कौन का है तो इसमें राज्य में आ जाएगा लोक निगम तो ये जितना एल की हमने बात किया हमने आर की बात किया और हमने दामोदर घाटी निगम की बात किया हमने ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बात किया ये सब राज्य हैं अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी इसकी विशेषता है आगे देखेंगे लोक निगमों के जो अधिकारी हैं इनको आर्टिकल 311 में संरक्षण प्राप्त नहीं होगा ध्यान दीजिए क्योंकि ये सरकारी सेवक नहीं माने जाते लोक निगम के जो कर्मचारी हैं जो इसके आफिस बियर हैं, इनको हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते और इसलिए आर्टिकल 311 में इनके कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है ये भी इसकी विशेषता है इसके अलावा ये जो लोक निगम है ये सेक्शन एक एविडेंस एक्ट में एविडेंस एक्ट में अठारह वाले में ये दस्तावेजों को रोक नहीं सकते जबकि अन्य अगर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो 123 में अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड का पब्लिकेशन करने के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते वहां पे डिस्क्लोज पब्लिकेशन के डिस्क्लोजर से उसको प्रोटेक्शन है आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो अनपब्लिश्ड है उसको वो पब्लिश करने के लिए कंपेल आप नहीं कर सकते जब तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन ना हो लेकिन यहां पे आप देखेंगे लोक निगम इसका फायदा नहीं ले सकता एक का क्योंकि लोक निगम को हम तो मानते ही नहीं उस कैटेगरी में जो जो सिविल जो, 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 सर्वेंट को प्रोटेक्शन प्राप्त है इसलिए यह एक का कोई भी प्रिवलेज क्लेम नहीं कर सकता लोक निगम आगे देखिए आगे इसकी विशेषता है धारा अस्सी की नोटिस ध्यान दीजिए सेक्शन 80 ध्यान दीजिए, ये भी एक है सेक्शन 80 सीपीसी जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ मुकदमा दाखिल करते हैं तो धारा 80 में एक प्रबंध है सीपीसी में कि आपको पहले टू मंथ प्रायर नोटिस उसको देना पड़ेगा और जब टू मंथ प्रायर नोटिस का टाइम एक्सपायर कर जाएगा तभी आप उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं ये लिखा हुआ है सी के अंदर लेकिन जब आप लोक निगम की बात करेंगे तो लोक निगमों को नोटिस देने की जरूरत नहीं है माने वह सरकार की उस कैटेगरी में नहीं आता जो सरकार के अन्य प्राधिकारी आते हैं उस उस कैटेगरी में नहीं आता इसलिए धारा 80 का रिलैक्सेशन है आप सीधे मुकदमा निगमों पे कर सकते हैं आरबीआई पे मुकदमा करना है आप सीधे मुकदमा कर सकते हैं यह लिखा हुआ तो धारा 80 का भी इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे देखेंगे सेक्शन सॉरी आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट में साबरन इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट में या इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि लोक निगम भले है लेकिन ये अन्य प्राधिकारी की कैटेगरी में उस तरीके से नहीं आता जैसे और सरकारी विभाग आते हैं इसलिए इसका भी फायदा इसको नहीं मिलेगा तो ये इसकी विशेषताओं को देखने में हमको जानना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूटरी बेनिफिट इसको मिलेंगी और कौन कौन सी बेनिफिट इसको नहीं मिलेंगी ये सारी इसकी विशेषताओं के अंदर आ गया तो हम लोगों ने सीपीसी में भी देख लिया एविडेंस में भी देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लिया कॉन्ट्रैक्ट में भी देख लिया और साधारण साधारण तौर पे जो लीगल पर्सनालिटी का इसका मेन विशेषता था वो भी देख लिया तो ये इसकी विशेषताएं अब इसके विकास पे आते हैं थोड़ा सा विकास इसका देखिए आप लोक निगमों का विकास तो इसके विकास के कारण क्या हैं इसके विकास के कई कारण हैं ध्यान दीजिए इसके विकास का जो पहला कारण है वह है वेलफेयर स्टेट ध्यान दीजिए मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है वेलफेयर स्टेट चूंकि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य को जनता के आर्थिक अधिकारों का संरक्षण करना है तो आर्थिक अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाएगा जब लोक निगमों की स्थापना होगी तो यह विकास का कारण है आगे आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ये भी इसका रीजन है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन में आप देखेंगे संवैधानिक कुछ दायित्व तो है सरकार के ऊपर जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है सबको न्याय प्रदान करना या नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन नहीं होगा पब्लिक रिसोर्सेज का इस सबको डिसेंट्रलाइज करने के लिए सबको जस्टिस देने के लिए लोक निगम जैसे निकायों की जरूरत है इसलिए इसका विकास हुआ भारत जैसे देश में इसी तरीके से बहुत कुछ बहुत कुछ मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं अब थोड़ा वर्गीकरण में आप पाइए वर्गीकरण इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है लोक निगमों को तो कई इसके भाग हैं देखिए पॉइंट नंबर वन इसमें हो सकता है वाणिज्यिक लोक निगम बाणिज्य वाला ट्रेड वाला वाणिज्यिक लोक निगम ये पहला है अब वाणिज्यिक लोक निगम में मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल तो हमारे पास स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है हमारे पास एयर इंडिया है आप सुने होंगे, हमारे पास इंडियन एयरलाइंस है ये सब कैसी संस्थाएं हैं ये सब कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं वाणिज्यिक लोक निगम है ये और ये वाणिज्य के मामले में व्यापार के मामले में ट्रेड के मामले में काम करते हैं तो जैसे एयर इंडिया हो गया और इस तरीके की जो संस्थाएं हो गई इनको हम वाणिज्यिक निगम में रख सकते हैं पहला वर्गीकरण दूसरा इसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं वित्त निगम वित्त वित्त का मतलब आर्थिक जिसमें आर की हमने बात किया जिसमें जीवन बीमा निगम की बात किया जिसमें हमने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया देख सकते हैं जिसमें हम फिल्म फाइनेंसिंग कारपोरेशन देख सकते हैं तो ये सारे वित्त निगम हैं तो कुछ वाणिज्यिक निगम है कुछ वित्त निगम है तीसरे में आप अगर आएंगे विकास निगम भी आप देख सकते हैं विकास निगम जो विकास करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्राकृतिक गैस आयोग है प्राकृतिक गैस आयोग दामोदर घाटी निगम है हमारे पास हमारे पास खाद्य निगम है हमारे पास राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है इस तरीके से कई ऐसे निगम है जो विकास के लिए रिस्पांसिबल हैं और लास्ट जो चौथा है उसको हम कहते हैं लोक उपयोगिता निगम पब्लिक यूटिलिटी कॉर्पोरेशन लोक उपयोगिता ध्यान दीजिए लोक उपयोगिता निगम पब्लिक यूटिलिटी कॉर्पोरेशन जिसके तहत अगर मैं एक दो चार एग्जाम्पल बताऊं हाउसिंग बोर्ड है आपके पास हॉस्पिटल बोर्ड है आपके पास इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन है आपके पास तो ये सारे क्या है पब्लिक यूटिलिटी के मामले में ये निगम है जो लोगों की रोज़ की आवश्यकता रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं तो इस तरीके से इसका वर्गीकरण है तो लोक निगम कोई एक तरीके का नहीं होता लोक निगम कई मामलों में काम करता है कोई वो लोक निगम वाणिज्य के मामले में काम कर रहा है कोई आर्थिक मामले में काम कर रहा है कोई पब्लिक यूटिलिटी के मामले में काम कर रहा है और कोई जो है वो विकास के मामले में काम कर रहा है डेवलपमेंट के मामले में काम कर रहा है तो इस तरीके से इसके वर्गीकरण है इस स्लाइड में हम लोगों ने चार चीज को देखा इसका अर्थ क्या है इसकी विशेषताएं क्या है इसका विकास क्यों हुआ और इसके वर्गीकरण क्या है तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये चारों बातों को मैंने आपने आपको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया आपको थोड़ा समझ में आया होगा अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं थोड़ा और पॉइंट की बात करते हैं लोक निगमों को लेकर के तो अगली स्लाइड पे आप आइए देखिए लोक निगम पर नियंत्रण ध्यान दीजिए तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि लोक निगम जो है बहुत ही ज्यादा इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कई मामले में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इनकी विशेषताएं बहुत है, इनकी हैं इनकी आवश्यकताएं बहुत हैं यह राज्य के क्रियाकलापों को करने के लिए बहुत ही जरूरी है यह सब हम लोगों ने देख लिया लेकिन कुल मिलाकर के अगर इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो इसको पावर भी दिया गया होगा इसको विवेक भी दिया गया होगा तो इस विवेक का इस्तेमाल गलत तरीके से अगर करेगा और किसी के अधिकारों का हनन हो जाएगा तो इन इनपे नियंत्रण कैसे किया जाएगा तो नियंत्रण करना भी जरूरी है तो अब हम नियंत्रण की बात करेंगे लोक निगमों पर चाहे वो किसी भी तरीके का है इस पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा तो नियंत्रण पर आप आइए देखिए लोक निगमों नियंत्रण नियंत्रण के लिए तीन चार पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट नंबर वन न्यायिक नियंत्रण जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल कंट्रोल ध्यान दीजिए जुडिशियल कंट्रोल एक बात पॉइंट नंबर सेकंड चलिए पहले न्यायिक नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं फिर पॉइंट नंबर सेकंड में न्यायिक नियंत्रण आप ध्यान दीजिए न्यायिक नियंत्रण में दो तीन बातों पे हमको ध्यान रखना है दो तीन बातों पे पहली बात क्या है पहली बात है अल्ट्रा वायरस वायरस और दूसरी बात है आर्बिट्रेरीनेस आर्बिट्रेरीनेस ध्यान दीजिए वायरस जिसको हम बोलते हैं अधिकारातीत का सिद्धांत अधिकारातीत का सिद्धांत आर्बिट्रेनेस को हम क्या बोलते हैं स्वेच्छाचारिता का सिद्धांत स्वेच्छाचारिता ध्यान दीजिए अब ये जुडिशियल कंट्रोल के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है लोक निगम कभी भी अल्ट्रा वायरस काम नहीं करेगा बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन काम नहीं करेगा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया सारे लोक निगम किस चीज से कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं कानून के द्वारा स्टेच्यूटरी रिकॉग्निशन है जैसे हम ने आरबीआई की बात किया तो आरबीआई एक्ट को देखा हम लोगों ने रिजर्व हम लोगों ने दामोदर घाटी परियोजना की बात किया दामोदर घाटी एक्ट की एक्ट को देखा हम लोगों ने तो इसी तरीके से जितना भी आपने देखा सबके लिए अधिनियम बने हुए हैं और अधिनियमों से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उस अधिनियमों में इनके अधिकार दायित्व तो, शक्तियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ डिफाइन होता है और उसमें इनके अधिकारों की सीमा भी डिफाइन होती है आपको कहाँ तक काम करना है कहाँ तक काम नहीं करना है जब यह इंस्टीट्यूटरी अपने सीमाओं को लांघ करके आगे बढ़ जाते हैं और उसमें जब ये कोई काम करते करते हैं बियॉन्ड दी बियॉन्ड दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हम इसको बोलते हैं अधिकारातीत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस और जैसे ही इनका काम अल्ट्रा वायरस चला जाएगा बियॉन्ड जोरिस्डिक्शन चला जाएगा जुडिसियरी के पास पावर आ जाता है जुडिशियरी इनके उस एक्शन को नल एंड व्हाइट डिक्लेयर कर देगी शून्य डिक्लेयर कर देगी तो आप अल्ट्रा वायरस ये एक कंट्रोल है जो जुडिशियरी इनको पकड़ती है दूसरा इनको जुडिशियरी पकड़ती है आर्बिट्रेरीनेस पे स्वेच्छाचारिता में चूंकि लोक निगम में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उनके माध्यम से लोक निगमों के कार्यकलाप को चलाया जाता है जैसे आरबीआई की बात आप करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कंट्री का और इसके जो गवर्नर होंगे इसके ऑफिस बेयरस होंगे हाँ इनको कितना ज़्यादा जो है पावर दिया गया होगा तो इस पावर का मिस यूज़ न कर लें ये स्वेच्छाचारिता में काम न करने लगे और ये अपने डिस्क्रिशन का अनुचित प्रयोग न करने लगे इसके लिए हमारे पास आर्बिट्रेरीनेस है अब आर्टिकल फोर्टीन को अगर आप देखेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद चौदह अनुच्छेद चौदह स्वेच्छाचारिता के खिलाफ है कथा नहीं इक्वालिटी कैसे होगी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इक्वालिटी कैसे होगी लोगों के बीच में जब वो स्वेच्छाचारिता में काम नहीं करेगा जब वो रीजनेबल वे में काम करेगा जब वो आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लेगा जब वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेगा तब तो कर सकता है इसके लिए अगर आप देखेंगे आर्टिकल चौदह की बहुत व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इक्वालिटी को हम किस आधार पर तो लेंगे? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट को प्रोपाउंड किया था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ईपी रोयप्पा वर्से स्टेट ऑफ तमिलनाडु में डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस लेके आए उसी आर्बिट्रेनेस की यहाँ पे बात हो रही है प्रशासनिक अधिकारी स्वेच्छाचारिता में काम नहीं करेगा और अगर स्वेच्छाचारिता में काम करेगा तो ये इक्वालिटी का वायलेशन होगा ये फंडामेंटल राइट right का वायलेशन होगा तो कोर्ट इसके आधार पर भी पकड़ दिया क्योंकि कोर्ट जो है वह मूल अधिकारों की गार्जियन है और वह संविधान की संरक्षक है तो जैसे ही मूल अधिकारों पर कोई आँच आएगी कोर्ट वहाँ पे तुरंत एक्शन में आ जाती है चाहे वो लोक निगम हो चाहे वो सरकार हो कोई भी हो तो लोक निगम अगर स्वेच्छाचारिता में काम करेगा तो कोर्ट एक्शन में आ जाएगी क्योंकि बींग द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोर्ट तुरंत एक्शन में आएगी और इनके एक्शन को नल एंड व्हाइट डिक्लेयर कर देगी अब क्वेश्चन है कि लोक निगम स्टेट के तहत आते हैं कि नहीं आते हैं क्योंकि स्टेट के तहत नहीं आएंगे तो तो एक्शन पे कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती तो अब अब स्टेट स्टेट के लिए हमारे पास है है आर्टिकल 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 ध्यान दीजिए में जो की परिभाषा राज्य की परिभाषा है बड़ी बृहद परिभाषा है इसमें लिखा हुआ है कौन राज्य होगा जिसके खिलाफ फंडामेंटल राइट क्लेम किया जा सकता है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो रिट जोरिस्ट्रिक्शन में आप जा सकते हैं उसमें लोक निगम भी आता है अब राज्य में कौन आएगा राज्य में आएगा विधायिका पूरी विधायिका चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट की है वो राज्य है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती पूरी कार्यपालिका ये भी स्टेट है ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती ऑल लोकल अथॉरिटीज जितने भी स्थानीय निकाय हैं ये सारे राज्य हैं और ये आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और लास्ट में लिखा हुआ है ऑल अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी तो जो अन्य प्राधिकारी टर्म है बड़ा नोटोरियस सा है क्योंकि इसकी कोई डेफिनीशन नहीं है आर्टिकल ट्वेल्व में और जो तीन ऊपर हम लोगों ने देखा है तो बड़े स्पेसिफिक इनकी लिमिट है विधायिका फिक्स है कार्यपालिका फिक्स है जो लोकल अथॉरिटीज हैं स्टेब्लिश की गई है इंस्टीट्यूट के द्वारा इनका भी एरिया फिक्स है इनका जो फिक्स है लेकिन जहां तक आप बात करते हैं अन्य प्राधिकारी तो अन्य प्राधिकारी की कोई लिमिट नहीं है तो इसको लेकर के बहुत ही लीडिंग केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटी अथॉरिटीज अंडिकल ट्वेल्विट्यूशन ऑफ इंडिया और क्या अदर अथॉरिटी में लोक निगम वगैरह वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे इसको लेकर के आप देखेंगे तो एक बड़ी लीडिंग सी जजमेंट है उस जजमेंट का नाम है आर डी सेट्ठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस आर डी सेट्ठी केस आर डी सेट्ठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ध्यान दीजिए अथॉरिटी जिसको हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट ले डाउन किया था उस टेस्ट का नाम है इंस्ट्रू इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट ध्यान दीजिए इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट या एजेंसी टेस्ट भी बोलते हैं इसको एजेंसी टेस्ट ध्यान दीजिए इंस्ट्रूमेंटेलिटी आर एजेंसी टेस्ट तो कोर्ट कहती है कि अन्य प्राधिकारी में कौन कौन निकाय आएंगे इसके लिए हमको एक टेस्ट से इसको चेक करना पड़ेगा और टेस्ट ये है कि क्या वह निकाय राज्य की इंस्ट्रूमेंटेलिटी है क्या वह निकाय राज्य की एजेंसी है अब राज्य की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी है कि नहीं है यह कैसे पता चलेगा कोर्ट कहती है अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी है तो अन्य प्राधिकारी में आ जाएगी और राज्य हो जाएगी और फंडामेंटल राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन है कि भाई वो राज्य की एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है तो इसका तरीका क्या चेक कैसे करेंगे तो कोर्ट ने इसमें फाइव टेस्ट ले डाउन किया था कोर्ट ने कहा था डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल होना चाहिए उस अथॉरिटी के ऊपर राज्य का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए गहरा नियंत्रण होना चाहिए दूसरा फंक्शनल कैरेक्टर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए उस कारपोरेशन का होना चाहिए वो गवर्नमेंटल इन नेचर होना चाहिए ध्यान दीजिए माने वो ऐसा कार्य कर रहा है जो सरकार कर सकती है गवर्नमेंटल इन नेचर फंक्शन को परफॉर्म करती है तो उस कार्पोरेशन को हम अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य मानेंगे आगे कोर्ट कहती है उसका शेयर कैपिटल इंटायर शेयर कैपिटल मस्ट बी हेल्ड विद स्टेट इंटायर का मतलब फिफ्टी परसेंट प्लस अगर उसका शेयर गवर्नमेंट के पास है तो उस निकाय को हम क्या कहेंगे स्टेट कहेंगे अंडर आर्टिकल ट्वेल्व आगे कोर्ट कहती है कि उसको जो है मोनोपोली स्टेटस है जो स्टेट कन्फर्ड है माने वो जो कारपोरेशन है वो मोनोपोली एक अधिकार कर सकता है और उसका एक अधिकार जो है स्टेट कन्फर्ड है राज्य के द्वारा उसको कन्फर किया गया है अगर ऐसा है तो निकाय फिर राज्य हो जाएगी अन्य प्राधिकारी में और लास्टली सुप्रीम कोर्ट कहती है कोई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो कारपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया अर्लियर इट वॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट नाउ इट हैज हैजिन ट्रांसफर टू दी कॉरपोरेशन तो ऐसे डिपार्टमेंट को भी हम क्या कहेंगे राज्य कहेंगे अन्य प्राधिकारी के तहत तो ये जो वो टेस्ट ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया अगर ये सारे टेस्ट सैटिस्फाई हो जाते हैं तब तो वो अन्य प्राधिकारी राज्य हो जाएगा और जब वो राज्य हो जाएगा तो उसके खिलाफ फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हैं तो जब लोक निगमों की आप बात करेंगे क्या यह धारा 12 में संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या अन्य प्राधिकारी की कैटेगरी में लोक निगम आते हैं कि नहीं आते हैं इसमें जब ये पांचों टेस्ट को आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पांचों टेस्ट इसमें हो जाते हैं और इसलिए लोक निगम राज्य हो जाते हैं जब यह राज्य हो जाएंगे तभी उनके ऊपर अल्ट्रा वायरस का तलवार चलेगा तभी उनके ऊपर आर्बिट्रेरी एक्शन का तलवार चलेगा नहीं तो नहीं चल सकता तो ये जो दोनों प्रिंसिपल हमने जुडिशियल कंट्रोल में आपको बताने का प्रयास किया कि निगमों के कार्य क्षेत्र को दो आधार पर कोर्ट कंट्रोल कर सकती है एक है आर्बिट्रेरीनेस और दूसरा है अल्ट्रावायरस इन दोनों के लिए निगमों को राज्य होना पड़ेगा धारा बारह में भारत के संविधान में और धारा बारह में अगर आप देखेंगे तो राज्य की परिभाषा इस तरीके से विस्तृत रूप से दी गई है जिसमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और लोक निगम उस कैटेगरी में आते हैं तो ये पहला था जुडिशियल कंट्रोल अब आगे आइए आप जो दूसरा कंट्रोल है इसमें मैं इसमें लिखने जा रहा हूं आपके इस पे स्क्रीन पे दूसरा है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ध्यान दीजिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल संसदीय नियंत्रण तो एक है न्यायिक नियंत्रण दूसरा है संसदीय नियंत्रण पार्लियामेंट्री कंट्रोल अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए भी हमारे पास कई पॉइंट है पार्लियामेंट निगमों को कैसे कंट्रोल करती है निगमों की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करती है इसके लिए तमाम मैकेनिज्म है पार्लियामेंट के पास तो अब एक एक पॉइंट से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे जैसे पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन संविधि के द्वारा स्टेच्यूट के द्वारा ध्यान दीजिए संविधि के द्वारा पार्लियामेंट कानून बना देगी जैसे मान लीजिए भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए हमारे पास है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम तो हमारे पास कानून है अब एल जो है कोई भी काम करेगी उस स्टेट्यूट के दायरे में करेगी एक तरीके से नियंत्रण हो गया उसके ऊपर और पार्लियामेंट नियंत्रण कर ली कैसे पार्लियामेंट नियंत्रण कर ली कानून बना करके और कानून के दायरे में उसको रख दिया उस दायरे से बाहर तोते का पिजड़ा है अगर उसके बाहर आप जाएंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा ठीक है ना तो यह संविधि जो है स्टेच्यूट जो है यह कंट्रोल है पार्लियामेंट का कि निगमों को इसके अंदर ही काम करना है तो यह पहला कंट्रोल है पार्लियामेंट के द्वारा दूसरा देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड पॉइंट नंबर सेकेंड जो है वो है प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण का मतलब लेंग डाउन जैसे मान लीजिए कोई रूल बनाने का पावर दे दिया गया कारपोरेशन को कि चलिए आप अपने इंटरनल एक्टिविटी के लिए रूल बनाइए तो वो रूल बनाता है और रूल बना करके उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास ऐसा नहीं हो रूल बना दिया और अपने डिपार्टमेंट को चला दिया ऐसा नहीं है रूल बना करके आपको दिखाना पड़ेगा पार्लियामेंट को और जब पार्लियामेंट से अप्रूवल हो जाएगा तभी आप उस रूल को चला सकते हो नहीं तो रूल नहीं चलेगा आपके अंदर तो इस तरीके से पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करती है कि इवन जो रूल्स हैं उनको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा संसद के पटल के ऊपर और जब संसद इसको अप्रूव करेगी तभी आप कर सकते हैं तीसरा पॉइंट आप देखें लोक निगमों के संबंध में प्रश्न और बहस ध्यान दीजिए प्रश्न और बहस ये लोक निगमों के जो कार्यकलाप हैं इसमें प्रश्न भी खड़ा किए जाते हैं संसद के कार्यवाही के अंदर मान लीजिए कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है अब किसी ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मैं नाम यहां से नहीं लेना चाह रहा हूं, जो इस समय बड़ा पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी में है मैं नहीं 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 लेना चाह रहा हूं, नहीं तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिस्कशन डिस्कशन हो जाएगा ये हम नहीं, एकेडमिक डिस्कशन की बात कर रहे हैं तो हम ईडी वगैरह वगैरह की बात नहीं करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे आरबीआई की ही बात करते हैं मान लीजिए अगर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम करें तो ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर भारतीय मुद्रा की कीमत बड़ी कम हो गई फॉरन मुद्रा की तुलना में तो इसमें बहस हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष जो है सरकार से प्रश्न पूछेगा कि आपकी आर्थिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं आपके जो लोक निगम है जो आर्थिक चीजों को कंट्रोल करते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं कि आपके देश की मुद्रा इतनी गिर गई है इसका इतना कीमत कम हो गया है तो इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे और सत्ता प्रश्न सत्ता में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि यह देश सबका है यह देश जो सत्ता में बैठा है उसका नहीं है यह देश सबका है क्योंकि सत्ता में बैठाने वाले भी कौन है हम ही लोग हैं तो उनको प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ तो पहले तो प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न के जवाब देने के दौरान बहस भी होगी डिबेट और काउंटर डिबोट भी होंगे वो अपने बातों को रखेंगे विपक्ष उनकी बातों को काटेगा ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसमें सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछने का पूरा प्राधिकार विपक्ष को है और सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रति रिस्पॉन्सिबल है उत्तर देने के लिए ऐसा नहीं हो कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं उत्तर देते आपको हम तो आपके पचास सदस्यों को निष्कासित कर देंगे और विपक्ष में जब कोई नहीं बैठेगा तो हम संविधियों को पास कर देंगे ये लोकतंत्र का फीचर नहीं है लोकतंत्र के फीचर में क्या होना चाहिए आप सत्ता के साथ चलें सत्ता जो है विपक्ष के साथ चले सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद होना चाहिए दोनों के बीच में इतना गैप ना हो जाए कि आपस में संवाद ना हो पाए इसको हम स्वस्थ पॉलिटिक्स नहीं कहते इसको हम हेल्दी पॉलिटिक्स और हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं कहते अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें तो संसद में इस बात को बोलते थे ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए नहीं तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा उसी तरीके से जो प्रश्न और बहस की हम बात कर रहे हैं लोक निगमों के क्रियाकलाप को लेकर के ये हेल्दी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें सत्ता पक्ष पच, से प्रश्न पूछा जाएगा और विपक्ष उनके साथ मिलकर के बहस करेगी और लोक निगमों के क्रियाकलापों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी तो इस तरीके से संसद इसको नियंत्रित करती है लोक निगमों को तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जिसमें इसको नियंत्रित किया जाएगा एक आध और देख लें समिति बना दी जाएगी ध्यान दीजिए समिति कमेटीज बना दी जाएंगी पार्लियामेंट कमेटी भी बना सकती है मान लीजिए आरबीआई की एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं चल रही है फर्ज करिए दो मिनट के लिए ऐसा नहीं अच्छी नहीं चल रही है मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ अगर नहीं चल रही है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके गवर्नमेंट कहेगी कि यह कमेटी इस मामले को लुक आफ्टर करे उसमें अपनी सिफारिश दे सिफारिश देने में जांच भी कर सकती है उनके डॉक्यूमेंट को खंगाल भी सकती है उनसे निगम से प्रश्न भी पूछ सकती है कि भाई आप बताएं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो समितियों के माध्यम से भी पार्लियामेंट लोक निगमों को कंट्रोल करती है तो यह दो तरीके का कंट्रोल हम लोगों ने देखा जुडिशियल कंट्रोल और पार्लियामेंट्री कंट्रोल जुडिसियल कंट्रोल अल्ट्रा वायरस और आर्बिट्रेनेस भी हम लोगों ने देखा और पार्लियामेंट्री कंट्रोल हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के माध्यम से लेइंग डाउन के माध्यम से क्वेश्चन और डिस्कशन के माध्यम से कमेटीज और कमीशन के माध्यम से इस पर किया जा सकता है इसके बाद एक तीसरा नियंत्रण है तीसरा नियंत्रण सरकारी नियंत्रण ध्यान दीजिए, सरकारी सरकार द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है तो एक तो एक है न्यायिक नियंत्रण दूसरा है संसदीय नियंत्रण और तीसरा है नीयंत्रन। सरकारी नियंत्रण सरकारी नियंत्रण किया जाएगा सरकारी नियंत्रण के भी कई एलिमेंट हैं जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट नियुक्ति और पदच्युति माने अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ये पहला पॉइंट है चूंकि सरकार ही लोक निगमों के प्राधिकारियों को अपॉइंट भी करती है और डिसमिस भी कर सकती है तो ये बहुत बड़ा कंट्रोल है क्योंकि सरकार कहेगी हम आपको अपॉइंट ही नहीं करेंगे या अगर अपॉइंट कर दिए हैं तो हम आपको डिसमिस कर देंगे तो इस आधार पर लोक निगम कंट्रोल में काम करेंगे दूसरा अगर आप देखेंगे निगम को निदेश जो डायरेक्शन देते हैं डायरेक्शन तो डायरेक्शन कौन देगा सरकार डायरेक्शन देगी और सरकार के डायरेक्शन से आरबीआई काम करेगा सरकार के डायरेक्शन से एल काम करेगी तो एक तरीके से डायरेक्शन इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ओवर लोकल इंस्टी ओवर मीन लोक निगम तो इनके ऊपर इस तरीके से तीसरा आप देखेंगे थर्ड पॉइंट वित्त ध्यान दीजिए वित्त फाइनेंस तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर लोक निगम कोई काम कर रहा है इसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये किससे पैसा मांगेगा Obviously, इसको पैसा सरकार से लेना पड़ेगा तो सरकार जो है वित्त करना और न करने के माध्यम से भी इनको कंट्रोल करती है तो यह भी एक कंट्रोल है सरकारी नियंत्रण है आगे आप देखेंगे चौथा जांच जांच ध्यान दे दीजिए इंक्वायरी अगर इनके क्रियाकलापों में कोई घाटा पाया जाता है कोई एक्टिविटी गलत पाई जाती है तो इसमें जांच कौन करेगा सरकार इसमें जांच करेगी और जांच करके इनको पकड़ लेगी तो यह भी एक कंट्रोल है गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके बाद नियम और विनियम अगर पांचवें की आप बात देखें नियम और विनियम मीन्स रेगुलेशन एंड बायलॉज लॉज ये भी बनाएगी इनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर तो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती रहती है किसी काम में ऐसा लग रहा है पकड़ में नहीं आते हैं तो उस पर रूल बना करके इनको पकड़ लेगी तो ये भी एक है और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो निगमों का बिग टन, बिग टन का मतलब डिजोल्यूशन अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं इस निगम को खत्म कर दो आप देखेंगे योजना आयोग अब आप देखेंगे नीति आयोग तो इस तरीके से आप देखेंगे गवर्नमेंट के क्या पूरा प्रोगेटिव है किसी भी आयोग को किसी भी कमीशन को किसी भी निगम को हटा करके दूसरा निगम कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है तो बिघटन का पावर भी सरकार के पास है तो इस तरीके से सरकारी नियंत्रण किया जा सकता है इनके ऊपर और लास्टली चौथा हम देख लें चौथा है लोक नियंत्रण ध्यान दीजिए लोक नियंत्रण पब्लिक के द्वारा इस पे कंट्रोल लोक नियंत्रण लोक नियंत्रण का मतलब पब्लिक के द्वारा कंट्रोल तो हम लोगों ने देखा जुडिशियल कंट्रोल है हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट्री कंट्रोल है हम लोगों ने देखा गवर्नमेंटल कंट्रोल है और हम लोगों ने देखा पब्लिक कंट्रोल है तो हम भी चूंकि देखिए सरकार और निगम ये जितने बने हुए हैं जो भी आप देख रहे हैं ये सारा किसके लिए बना हुआ है जनता जनार्दन के लिए बना हुआ है क्योंकि भारत के संविधान में जनता सर्वोपरि है वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट इनएक्ट एंड गिवेन टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो ये पूरा जो संविधान है जिसमें पूरा देश चलता है ये हमारा संविधान है इसको हमने बनाया है एडॉप्ट ए डी ओ पी टी एडॉप्ट इन एंड गिवेन टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है हमने बनाया अपने को अध्यात्मित और अधिम अधिपर गर्पित अधिपर, किया है तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है हमारे लिए है तो सावरंटी किसके अंदर है जनता के तहत तो जनता भी कंट्रोल करेगी लोक निगमों की एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए टल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज अगर इसकी एक्टिविटी ऐसी है तो जनता इनके न, इनके क्रियाकलापों को कंट्रोल करेगी तो ये निगम पे लोक नियंत्रण रहता है चार तरीके का नियंत्रण हम लोगों ने देखा यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्लाइड पे लिख दिया लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास किया कि इस तरीके से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं अब आगे वाली स्लाइड पर देखें नियंत्रण हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा आगे वाली स्लाइड पर देखें अब इसमें हमारे पास है दो पॉइंट महत्वपूर्ण लोक निगम कौन कौन है और लोक निगम के कार्य और कलापों की समीक्षा कैसे की जाएगी हाँ तो ये दो चीज़ हम लोग देखेंगे सबसे पहले आइए महत्वपूर्ण लोक निगम कौन कौन है महत्वपूर्ण लोक निगम तो इसके लिए हमारे पास कई महत्वपूर्ण लोक निगम हैं हालांकि इसके वर्गीकरण में भी मैं इन लोगों का नाम आपको बताया था कुछ वित्त निगम है कुछ वाणिज्यिक निगम है कुछ विकास वाले निगम है कुछ पब्लिक यूटिलिटी निगम है तो इसमें कई लोगों का नाम हम लोगों ने वर्गीकरण के दौरान देखा था लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मीन लोक निगम है जो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी करते हैं देश के अंदर और जिनको बैकमोन माना जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए उसमें कुछ का प्रमिनेंट नाम हम लोग यहां पर देखेंगे महत्वपूर्ण लोक निगम में जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं पहला दामोदर घाटी निगम दामोदर घाटी निगम दूसरा आप देखेंगे तो दूसरा है हमारे पास जीवन बीमा निगम जीवन बीमा निगम ये भी है तीसरा आप देखेंगे ओ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है चौथा आप देखेंगे वायु निगम एयर कारपोरेशन वायु निगम पांचवा आप देखेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छठवा आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ट्रांसपोर्ट निगम तो इस तरीके से एटसेट्रा करके छोड़ दीजिए एटसेट्रा तो ये जो है बड़े इंपॉर्टेंट से निगम है जो डे टू डे एक्टिविटी में गवर्नमेंट को हेल्प करना और गवर्नमेंट को असिस्ट करना इकोनॉमिक मैटर में डेवलपमेंट के मैटर में पब्लिक यूटिलिटी के मैटर में और वाणिज्यिक मैटर में तो आप देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक निगम है लोक निगमों की विशेषता हम लोगों ने देख लिया था इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को भी देख लिया था वो सारे एसेंशियल एलिमेंट इनके अंदर भी होंगे जैसे ये शू किए जा सकते हैं इनके खिलाफ शू किया जा सकता है इनकी परपेचुअल सक्सेशन होगी इनका कॉमन सील होगा और ये प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं एक्वायर कर सकते हैं ये सारे फ़ीचर ये सारे महत्वपूर्ण लोक निगमों का जिसका हम लोगों ने जिक्र किया है स्लाइड में वो सब आप देख सकते हैं सब इनके ऊपर लागू होगा अब दूसरे हेडिंग पे हम लोग आते हैं लोक निगम के कार्यकलापों की समीक्षा ध्यान दीजिए लोक निगम के कार्यकलापों की समीक्षा अगर करनी है तो इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ा संविधान की तरफ जाना पड़ेगा कार्यकलापों की समीक्षा में हम लोगों को संविधान की तरफ जाना पड़ेगा और संविधान में जब आप जाएंगे तो हमको यह देखना है कि क्या यह लोक निगम संवैधानिक स्तर पे काम कर रहे हैं क्या यह संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं क्या इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रदान की गई है कि नहीं की गई है तो इस तरीके से हम इनके कार्यकलापों की समीक्षा करेंगे जैसे अगर आप भारत के प्रस्तावना पे भारत के संविधान के प्रस्तावना पे नजर डालेंगे तो निगमों का दायित्व तो है क्या करने का न्याय प्रदान करने का तो सबको न्याय प्रदान करना है निगमों के द्वारा तो न्याय प्रदान आप कैसे करेंगे कैसी न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक और सामाजिक न्याय तो जैसे हम लोगों ने देखा कुछ निगम है जो डेवलपमेंट के लिए है विकास के लिए कुछ निगम जो है वो किस चीज के लिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए है कुछ निगम जो है केवल वाणिज्य और वित्त के लिए हैं तो इस तरीके से आप देखेंगे आर्थिक न्याय भी दिखेगी इसमें सामाजिक न्याय भी दिखेगी तो लोक निगमों का बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है अगर इनके कार्यों की समीक्षा हम संविधान के हिसाब से करें तो आप देखेंगे कि प्रियम्बल में ही जो बहुत ही बृहद फिलासफी है भारत के संविधान की उसमें लोक निगमों का दायित्व तो बहुत ही ऊंचा हो जाता है क्योंकि सारे तरीके की न्याय जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर वो प्रोवाइड करने में ये सारे तरीके के जो निगम हैं ये बहुत महती भूमिका निभाते हैं तो संविधान के आधार पर आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं आप नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर भी समीक्षा कर सकते हैं हालांकि नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग चार में लिखा हुआ है और भाग चार का स्पेसिफिक फीचर है अगर आप आर्टिकल 37 के लाइट में पढ़ेंगे कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर वेरी फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द नेशन और स्टेट जब कानून बनाएगा तो सेल टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसियबल हैं नॉन इन्फोर्सिएबल हैं तो अगर आप डीपीएसपी को देखेंगे हालांकि इसमें बड़ा डिबेट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अगर आप थोड़ा निगाह डालेंगे अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व तो रद्दी की टोकरी हैं एंड दे आर लाइबल टू बी मीन्स थ्रोन इन द डस्टबिन क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है ये तो इनफोर्सिएबल नहीं है कानून के द्वारा तो इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल इनको देने की क्या जरूरत है आर्टिकल 36 से उठा करके और आर्टिकल इक्यावन तक और 50 तक का जो पूरा ग्रुप इनको दे दिया गया है क्यों दे दिया गया इनको अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ये नॉन इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट्स हैं लेकिन ये नॉन इन्फोर्सिएबल बाई जनता नहीं है जनता इसको इन्फोर्स करा सकती है बाई कास्टिंग दियर वोट्स इन नेक्स्ट इलेक्शन तो इलेक्टोरेट के ऊपर जिम्मेदारी है हर पांच साल पे नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके देखेंगे कि सरकार उनके हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही है और अकॉर्डिंगली नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन कराया जाएगा नीति निर्देशक तत्वों को जब लोक निगम के माध्यम से जब इनके कार्यों की आप समीक्षा करेंगे तो आपके पास इसमें अनुच्छेद उनतालीस बी और उनतालीस सी देखेगा उनतालीस बी और सी में यह जिम्मेदारी है स्टेट की कंसंट्रेशन नहीं होने देगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का नेचुरल रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं होने देगा इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जनता जनार्दन के फायदे के लिए तो आप लोक निगमों को देखें जितने तरीके के लोक निगम हम लोगों ने वर्गीकरण के हेडिंग में देखा था ये सारे लोक निगम का क्या काम है ये जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक तरीके से ये नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए महत्वों को उजागर करते हैं जनता के सामने ले आते हैं और अगर मान लीजिए लोक निगम को कंट्रोल नहीं किया गया लोक निगम निगमों के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फायदा फायदा लेने के लिए, अपने फायदा लेने के के लिए लिए अपने प्रयास करती है तो ऐसे सरकार को पांच साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो जनता उनको सिखा देगी कहेगी कि नहीं अब आपको सत्ता पे नहीं बैठ के दूसरे को बैठाना है तो एक तरीके से जब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आप इनकी समीक्षा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लोक निगमों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करने के लिए इसी तरीके से जब मूल अधिकारों में जाएंगे और मूल अधिकारों के निगाह में जब आप इनकी कार्यों की समीक्षा करेंगे तो आपको दिखेगा कि मूल अधिकारों के प्रति भी लोक निगमों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि ये लोक निगम में थोड़ी देर पहले आपके बताया ये सारे लोक निगम क्या हैं अन्य प्राधिकारी हैं और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं ये अन्य प्राधिकारी हैं चूंकि ये अन्य प्राधिकारी हैं और चूंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में निहित राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं इसलिए इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि ये मूल अधिकारों का संरक्षण और मूल अधिकारों को आदर प्रदान करें क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है राज्य ने कन्फर किया है फंडामेंटल राइट लीगल फिक्शन के तहत तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इसको प्रोटेक्ट करेगा और नहीं करेगा तो जिसके अधिकारों का हनन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और स्टेच्यूटरी रेमेडीज को जा सकता है तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे स्वेच्छाचारिता नहीं होगी आर्टिकल चौदह मना करता है अन एक्शन नहीं लेगा कारपोरेशन आर्टिकल उन्नीस मना करता है इसको अनजस्ट और अनफेयर एक्शन नहीं लेगा आर्टिकल 21 इसको मना करता है तो इस तरीके से एक दो नहीं अगर आप उसमें देखें हजार एक्टिविटी की बात करें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट ट्वेंटी एंड ट्वेंटी आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन उस सब में देखेंगे तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लोक निगमों की जिम्मेदारी है कि ये मूल अधिकारों के दिए गए सिद्धांतों पे काम करे और जो उसमें निर्बंधन दिए गए हैं उस निर्बंधकों का सम्यक अनुपालन करे और इनका अगर ये सम्यक अनुपालन नहीं करेगा और उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो लोक निगमों की जिम्मेदारी आ जाएगी और कोर्ट इनसे सवाल पूछ देगी कोर्ट सवाल कैसे पूछेगी क्योंकि न्यायिक नियंत्रण है इनके ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया न्यायिक नियंत्रण है और कोर्ट जो है इनको एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी पे या बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन पे जिसको हम मल्ट्रावायरस प्रिंसिपल कहते हैं उसके आधार पे प्रश्न पूछ सकती है कोर्ट इनसे मनमानेपन पे प्रश्न पूछ सकती है कि विवेक का प्रयोग आपने मनमाना के तौर पे तो नहीं किया स्वेच्छाचारिता के तौर पे तो नहीं किया तो कोर्ट कंट्रोल करके इनसे पूछ सकती है कि आपने मूल अधिकारों का उल्लंघन क्यों किया और कैसे किया तो एक तरीके से जुडिशियल कंट्रोल इनके ऊपर आ जाएगा तो जब आप इनके अधिकारों की इनके कार्यों की समीक्षा आप करेंगे मूल अधिकारों के प्रकाश में तो आपको ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी क्योंकि अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकारी के तहत ये राज्य है तो ये इनके कार्यों की समीक्षा की बात हुई तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने नो, लोक निगमों के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि यह प्रशासनिक विधि का यह अध्याय है जिसमें लोक निगमों की बात की गई है तो लोक निगम की कितनी जिम्मेदारी है और लोक निगम कार्यों को करने के लिए कितना उत्तरदायी है तो हम लोगों ने क्या देखा मैं इसको कंक्लूड करते हुए आपको थोड़ा सा समअप करूं कुछ देर में इसको हम लोगों ने देखा ये जो लोक निगम है इनको कॉन्स्टिट्यूशनली काम करना है और चूंकि हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य के तरफ अग्रसित हैं अब तो देखिए आप विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं तो जब विकसित भारत की बात करेंगे तो थोड़ा और जिम्मेदारी लोक निगमों की बन जाती है क्योंकि दो में अगर विकसित भारत हमको बनाना है तो लोक निगमों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत तरीके की वाणिज्यिक और वित्तीय एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो इस परफॉर्म करने के दौरान अगर फेयरनेस इनके अंदर होगा अगर ये ड्यू एक्सरसाइज आप डिस्क्रिशन का पालन करेंगे तो हमारी जो वित्तीय शक्तियाँ हैं ये बहुत ही बृहत्तर हो जाएंगी और जब वित्तीय शक्तियाँ और इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की बहुत अच्छी हो जाएंगी तो भारत विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसित हो जाएगा जो प्रधानमंत्री जी का सपना है तो इसको अगर आप ऐसे भी देखें तो लोक निगमों की जिम्मेदारी और भी हो जाती है तो लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ हम अग्रसित थे कब इंडिपेंडेंस के बाद और आज जो है हम 2024 से हमने शुरू कर दिया 23 से शुरू कर दिया विकसित भारत की तरफ अग्रसित होना तो ये लोक निगमों की एक और जिम्मेदारी हो गई तो लोक कल्याणकारी राज्य और विकसित भारत दोनों के हिसाब से इसकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीति निर्देशक तत्वों में इसकी रिस्पांसिबिलिटी है मूल अधिकारों में इसकी रिस्पांसिबिलिटी है और तमाम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देश में बनाई गई हैं उसके हिसाब से भी इनकी रिस्पांसिबिलिटी है तो ये इनका बैकिंग है मूल मीन्स लोक निगमों का इसके बाद लोक निगमों की विशेषताएं क्या है तो हम लोगों ने देखा ये लीगल पर्सन है इसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है ये परपेचुअल सक्सेशन रखेगा इसकी कॉमन सील होगी ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है इसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके वर्गीकरण क्या है लोक निगमों में तमाम तरीके के निगम आते हैं उसमें पब्लिक यूटिलिटी भी है विकास भी है उपयोगिता भी है सब कुछ इसके अंदर आते हैं इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लोक निगमों पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा तो नियंत्रण करने में हम लोगों ने देखा कि लोक निगमों पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रावधान हमारे पास हैं एक तो हमारे पास जुडिशियल कंट्रोल है दूसरा हमारे पास पार्लियामेंट्री कंट्रोल है तीसरा हमारे पास सरकारी कंट्रोल है और चौथा हमारे पास लोक कंट्रोल है लोक नियंत्रण है तो इस तरीके से तीन चार माध्यम से हम इनको चेक करते हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन चेक करेगा चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन चेक करेगा और चेक करके इनके एक्टिविटी को नियंत्रित कर लिया जाएगा और अगर ये नियंत्रण में पाए जाएंगे कि नहीं ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो इनके एक्शन को नल एंड वायड भी डिक्लेयर शून्य भी डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशियरी के पास पूरा पावर

और इसके तमाम प्रावधानों को जो मैं बहुत ही सिंपल और सीधे भाषा में आपके तहत पहुंचाने का प्रयास किया आप इसको समझे होंगे तो इसी शब्द के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड थैंक यू ऑल Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.